हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ तुम्हें होममेड मास गेनर शेक। जो भी बंदा अपनी बॉडी में हेल्दी मसल मास इंक्रीज करना चाहता है, मतलब चाहता है कि उसकी बॉडी में जो मसल वेट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो, फैट ज़्यादा ना चढ़े, तो उसके लिए शेक बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब मेरे को भी जब अपनी बॉडी में हेल्दी मसल मास पुट ऑन करना होता है, जब मेरे को मतलब साइज गेन करना होता है, तो मैं शेक का इंटेक करता हूँ। और इस टाइम भी मैं शेक का इंटेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी में हेल्दी मसल मास थोड़ा इंक्रीज करना है। तो जो बंदे हार्ट गेनर्स है या जो एक्टोमोर्फ है जिनका वेट बढ़ता ही नहीं है, मतलब वो कुछ भी खा लेते हैं, भर भर के खा लेते हैं जब भी उनका वेट बढ़ता नहीं है, तो ये शेक का इंटेक करके जरूर देखना। बहुत हेल्पफुल रहेगा सबके लिए, मेरे लिए भी रहता है। तो दिखा दो चलो तुम्हें वो शेक। इस शेक की खास बात ये है भाई, इसमें मतलब ये नहीं कि मैंने कार्ब्स ही हाई रखे हो, इसमें प्रोटीन क्वान्टिटी वो भी हाई है, गुड फैट्स है जो वो भी हाई है, और कार्ब्स तो थोड़े बहुत हाई है, तो इसलिए बहुत फायदेमंद रहता है अगर बॉडी में तुमको एक अच्छा गुड क्वालिटी मसल मास इंक्रीज करना है। तो चलो दिखाता हूँ तुम्हें वो शेक। तो गाइस, जो अपना सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है अपने ओट्स। हमें इसमें 40 ग्राम ओट्स डालने हैं। पहले तो मैंने जग ले लिया और मेरे पे वेट स्केल मशीन है, तो मैं इसमें मेजर करके डाल लेता हूँ। और इस ओट्स को पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। मैंने पूरे मतलब 1 किलो का ओट्स लाया था, पूरा मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक डिब्बे में डाल रखा है। इससे क्या होगा कि जब आप शेक पियोगे तो ओट्स गले में लगेंगे नहीं अच्छी तरह, मतलब आप पी पाओगे। तो 40 ग्राम ओट्स डाल ले पहले इसमें। चालीस ग्राम हो गए ओट्स। अब जो अपना दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है चीकू का लेसे। तो गाइस, जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो अपना चीकू। चीकू का फायदा ये है कि हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा, और शेक के जो भी न्यूट्रिशन है हमारे जो बॉडी उसके न्यूट्रिशन अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाएगी और हमारा डाइजेशन भी खराब नहीं होगा। कई बार केले डालने से, और सर्दी भी चल रही है, केले डालने से कई बार हमारे पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, तो केले इसलिए मैं डालता नहीं हूँ। चीकू केले की जगह सबसे बढ़िया है, तो चीकू डालें। इसमें मैं 200 ग्राम चीकू डालूंगा, जो मतलब स्टार्टिंग में आप 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। जब आपकी बॉडी मतलब हैवी चल हो जाए उसकी, तो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 150 ग्राम करते हैं, फिर 200 ग्राम करते हैं, 200 ग्राम से ज्यादा ना करें। तो मैं डालूंगा इसमें 200 ग्राम। तो भाई, अपने चीकू भी 200 ग्राम मैंने इसमें डाल दिए है अपने कट करके। अब जो तीसरा इंग्रीडियंट है वो अपना पीनट बटर। गेनिंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है पीनट बटर, मतलब क्योंकि इतने से पीनट बटर में ही आपको इतनी सारी कैलोरीज मिल जाती है, और प्रोटीन भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, और गुड फैट्स बहुत मतलब अच्छे गुड फैट्स मिल जाते हैं जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसमें डालूंगा मैं 60 ग्राम पीनट बटर। अब जो भाई जो शुरुआत में जो ले रहे हैं तो 60 ग्राम ना डालें क्योंकि ज्यादा फिर हैवी हो जाता है, तो जो 40 ग्राम डाल सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे मैंने चीकू के लिए बताई थी बॉडी हैवी चल होती जाए तो उसमें 50 ग्राम कर दे, फिर वेट बढ़ने लग जाए जब तुम्हारा, तो फिर 60 ग्राम कर सकते हैं। 60 ग्राम से ज्यादा ना करें, 60 ग्राम बहुत है, तो इसमें डालूंगा मैं 60 ग्राम पीनट बटर। तो गाइस, जो अपना चौथा इंग्रेडिएंट है वो अपना वे प्रोटीन। जिस पे है वो डाल सकता है, जिसके लिए कोई जरूरी नहीं है क्योंकि प्रोटीन क्वांटिटी ऑलरेडी इसकी हाई है। मैं डालता हूँ जिससे थोड़ी और ज्यादा हो जाए, तो जो बंदा स्टार्टिंग में इसको ले रहा है शेक को, उसके लिए जरूरी नहीं है, जिस पे है वो डाल सकता है। इसमें एक स्कूप इसकी डाल दे वे प्रोटीन की। और गाइस, जो अपना लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। इसमें जो दूध डाल रहा हूं मैं, वो डाल रहा हूं मैं डबल टोन। डबल टोन का फायदा ये है, जो इसकी प्रोटीन क्वांटिटी होती है 500 ml की बता रहा हूँ मैं, वो 16 ग्राम होती है, पर इसकी फैट परसेंट कम हो जाती है। नॉर्मल जो होता है डायमंड या जो फुल क्रीम मिल्क होता है, उसमें जो फैट परसेंट उसकी 18-20 ग्राम चल जाती है, पर डबल टोन में फैट परसेंट 6-7 ग्राम ही रहती है, पर प्रोटीन उतना ही रहता है पूरा, तो इसलिए डबल टोन इसलिए बढ़िया है। तो गाइस, सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाल दिए। पहले डाले थे इसमें मैंने ओट्स, फिर डाले थे इसमें चीकू, देन पीनट बटर, फिर अपने प्रोटीन डाला था, और लास्ट में डालते हैं अपना मिल्क। अब मिक्सी या अपने ग्राइंडर से इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर ले और फिर अच्छी तरह इसको पी ले। तो गाइस, अपना शेक बनके रेडी हो चुका है। इसे पहले मैं पी के दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस, जो इस शेक का सबसे बेस्ट टाइम इंटेक करने का वो है अगर आप सुबह जिम जाते हो तो अपने वर्कआउट करके आओ, और वर्कआउट करने के बाद जब घर पे आओ तो इस शेक का इंटेक करो। और अगर आप शाम को जिम जाते हो तो इस शेक को प्री वर्कआउट मिले वर्कआउट से 2 घंटे पहले, तो ये अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा वर्कआउट में, आपको अच्छी तरह मतलब आप एनर्जी लगा पाओगे। तो शाम को जब आप लेट आए होते हो तो इसे वर्कआउट के बाद ना ले, इसे वर्कआउट के पहले ले, और सुबह जब जिम जाते हो तो इसको वर्कआउट के बाद ले। तो सबसे बेस्ट टाइम है इस शेक को इंटेक करने का। इस शेक का कंटिन्यू इंटेक करें और आपकी बॉडी में 100% अच्छी एक गुड क्वालिटी मसल वेट है जो पुट ऑन करेगा,
और आपको अच्छे तरह रिजल्ट मतलब खुद ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मेरी बॉडी में भी इसने मतलब ज्यादा फैट नहीं चढ़ाया है, मैं इसका इंटेक करता हूँ जब भी मेरे को अपने बॉडी में थोड़ा मसल मास इंक्रीज करना होता है। पिछले एक डेढ़ महीने से मैं अपनी लीन गेनिंग कर रहा हूँ और एक डेढ़ महीने से ही मैं शेक का इंटेक भी कर रहा हूँ। मैंने अपना वेट कोई 5 kg वेट पुट ऑन कर लिया है, बिल्कुल लीन वेट ही हुआ है, ज्यादा फैट नहीं चढ़ा है बॉडी में। तो आप भी शेक का इंटेक करें और अपने बॉडी में रिजल्ट देखें। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।